नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे इस चैनल YouTube चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज एंटरटेनमेंट। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा अपने उन दोस्तों का, श्री परमानंद जी देखा का, डॉक्टर रविंद्र जी आनंद, डॉक्टर भरत गोयल, राशि बांसल, मनीषा और शिवानी का, जिन्होंने पिछली वीडियोज को फेसबुक पर शेयर किया। और इससे फायदा मुझे ये हो रहा है कि जो मेरा एक लक्ष्य है कि लोगों के दिमाग में से ये मैथमेटिक्स का जो भूत है, जो हवा है, उसे दूर करना, उसमें मुझे सहयोग मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप आगे से भी मेरी वीडियोस को शेयर करते रहेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि भारतीय विद्यार्थियों के दिमाग से जो मैथमेटिक्स का हवा है, भूत है, उसे निकाला जा सके। मुझसे कमेंट बॉक्स में दो लोगों ने सवाल किए थे और मैंने उन्हें हल करने की कोशिश की और उन्हीं के हल जो है आज मैं यहां पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक सवाल पूछा गया था कि अगर कोई नंबर है जैसे 2x3512, ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो इसके लिए x की वैल्यू क्या होगी। जो सवाल पूछा गया था उसमें x और y दो थे, लेकिन मैंने एक x रखा है। उसका कारण है कि मैथमेटिक्स का एक रूल है कि जितनी कंडीशंस आपके पास होती हैं आप उतने ही वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ता है। मैं हिट एंड ट्रायल में जाना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने एक वेरिएबल रखा है, कंडीशन भी एक है कि नंबर 7 से डिविजिबल है। 7 की डिविजिबिलिटी का जो हमने जिक्र किया था टेस्ट का पिछली वीडियो में, उसी को हम यहां पर प्रयोग करेंगे। सो जो हमारा आखिरी डिजिट है 2, इसका हमने डबल करना है, क्योंकि 7 का हमारे पास मल्टीप्लायर होता है 2-। सो 2 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी के नंबर में से 4 माइनस कर देंगे, तो ये बन गया 2x3 4 7। अब हमारे पास लास्ट डिजिट है 7, तो 7 का डबल कीजिए 14 और बाकी के नंबर में से 14 कर दीजिए माइनस, 2x20। और आगे आखिर में 0 आ जाता है तो आप उसको यू भी हटा सकते हैं, सो 2x2। अब इस x का आप फिर डबल कीजिए और बाकी के नंबर में से माइनस कीजिए, तो 2 और ये जो डिजिट है ये डिजिट आ जाएगा आपके पास x-4। तो अगर इस नंबर ने 7 से डिविजिबल होना है तो इस नंबर को भी 7 से डिविजिबल होना पड़ेगा। अब यहां पर एक डिजिट है 2 और दूसरा डिजिट है x-4, तो हमें देखना है कि x-4 की कौन सी x की वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होता है। अगर x आपके पास 5 हो तो आप देखें कि 5-4 1 आ गया, सो 2 1 21 21 7 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा, सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। यूं तो यहां पर अगर 8 भी होगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि 2 8 28 भी 7 से डिविजिबल है, पर 8 होने के लिए x को होना पड़ेगा 12, जबकि x हमारा डिजिट है, कोई नंबर नहीं है, सो a की वैल्यू आएगी x की 5। तो x की अगर वैल्यू आप 5 होगी तो ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब दूसरी प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। दूसरी प्रॉब्लम थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझने वाली है। ये सवाल जिसने भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा, वहां पर लिखा था कि ये उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं से आया उनके पास सवाल, तो मैं ये आपको बता दूं कि 4-5 दिन पहले ये सवाल मेरे पास भी व्हाट्सएप पर आया था और मैंने भी आगे कई ग्रुप में इसे पूछा था, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। पर परसों कमेंट बॉक्स में जब मुझसे सवाल पूछा गया तो मैंने इसे हल करने की कोशिश की और जो हल निकला वो मैं आपके साथ यहां पर शेयर कर रहा हूं। सवाल था कि फाइंड पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी फॉर विच ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए एंड बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी आर बोथ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस सवाल में एक बात हमें नजर आ रही है कि पहली बार तो ए और बी दोनों हमें पॉजिटिव चाहिए और जितने भी इसके सॉल्यूशंस हैं वो सभी हमें पता करने हैं। अब ये भी नंबर हमारा इंटीजर है और ये भी इंटीजर है और ये a अपॉन b की फॉर्म में है, तो हमें पता है कि कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर हो, तो उसके
इंटीजर होने के लिए एक बात जरूरी है कि न्यूमरेटर को ग्रेटर देन और इक्वल टू डेनोमिनेटर होना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर जो है वो फ्रैक्शन बन जाएगा। सो पहली बात तो यह है कि यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी को ग्रेटर देन और इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए होना चाहिए, और दूसरी तरफ यहां पर बी स्क्वायर प्लस ए को ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी होना चाहिए, नहीं तो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से काम हो जाएगा और नंबर इंटीजर नहीं लग पाएगा, फ्रैक्शन रह जाएगा। अब सभी को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आइए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड यहां पर भी यही कीजिए, सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर हो जाते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ए प्लस बी आगे भी है, तो ए प्लस बी आपके पास आ गया कॉमन, और बाकी रह गया ए माइनस बी प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एंड यहां पर भी ऐसे करेंगे तो ए प्लस बी बी माइनस ए प्लस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ए प्लस बी, क्योंकि ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, तो ए प्लस बी पॉजिटिव हो गया। दो नंबर्स की प्रोडक्ट पॉजिटिव है और उनमें से एक नंबर पॉजिटिव है तो दूसरे को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट विल बिकम नेगेटिव। सो इसका मतलब कि ए माइनस बी प्लस वन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और बिल्कुल इसी तरह यहां से बी माइनस ए प्लस वन को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। और ये दोनों कंडीशंस तभी सेटिस्फाई हो सकती हैं अगर ए की वैल्यू बी माइनस वन, बी या बी प्लस वन में से कोई एक, अदरवाइज ये कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई नहीं होंगी। अब आप ये देखिए कि ए की वैल्यू जो बी माइनस वन है और जो ए की वैल्यू बी प्लस वन है, यानी कि मैं पहली और आखिरी की बात कर रहा हूं, तो इनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यहां पर ए जो है वो बी से एक कम है और यहां पर ए बी से एक ज्यादा है, या यूं कहिए कि ए और बी का रोल आपस में इंटरचेंज हो रहा है। तो अगर हम इसमें से एक ही कंडीशन को हल कर लें और उसमें ए और बी का रोल बदल दें तो इसके भी सोल्यूशन आ जाएंगे। तो हम यहां पर सिर्फ दो केस लेकर चलेंगे, एक ए इज इक्वल टू बी माइनस वन और ए इज इक्वल टू बी, दो केस लेंगे। तीसरा केस ऑटोमेटिकली पहले केस की वैल्यूज को फ्लिप करने से, यानी कि ए और बी का रोल आपस में बदलने से हल हो जाएगा। सो हम एक एक करके चलते हैं, पहले हम पहला केस लेकर चलते हैं जब ए इज इक्वल टू बी। अगर ए इज इक्वल टू बी है तो देखिए कि ये नंबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए, क्योंकि बी की वैल्यू ए हमने यहां पर पुट कर दी, तो ये बन गया ए प्लस वन अपॉन ए माइनस वन, एक ए कैंसिल हो गया। अब ये बन गया ए माइनस वन प्लस टू अपॉन ए माइनस वन, और अगर अब आप अलग अलग करेंगे तो ये ए प्लस टू अपॉन ए माइनस वन आ गया। ये तो इंटीजर है ही है, लेकिन क्योंकि हमें पूरा नंबर इंटीजर चाहिए तो इसे भी इंटीजर होना पड़ेगा, और ये इंटीजर तब होगा अगर ए माइनस वन टू को पूरा पूरा डिवाइड करे, और ए माइनस वन टू को पूरा पूरा डिवाइड तब करेगा जब या तो ए माइनस वन की वैल्यू वन हो या फिर ए माइनस वन की वैल्यू टू हो। अगर ए माइनस वन की वैल्यू वन होगी तो आपके पास ए आ जाएगा टू, और अगर ए माइनस वन की वैल्यू टू हुई तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी थ्री, क्योंकि ए और बी बराबर थे तो आपके पास बी की वैल्यूज भी आ गई टू और थ्री, यानी कि आपके पास दो सॉल्यूशंस तो आ गए, एक सॉल्यूशन आ गया ए की वैल्यू टू और बी की भी वैल्यू टू, और दूसरे सॉल्यूशन में ए थ्री बी भी थ्री, तो दो सॉल्यूशन आ गए, लेकिन ये हमारे पास अभी एक केस जो है वो हल हुआ है। अब दूसरा केस देखते हैं, जब दूसरे केस में हमारे पास था ए इज इक्वल टू बी माइनस वन, ए इज इक्वल टू बी माइनस वन, अब पहले नंबर में जरा पुट कीजिए यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए, तो यहां पर सिर्फ आप ए की वैल्यू पुट कीजिए बी माइनस वन, यह आ गया बी माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस टू बी प्लस वन प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए, यानी कि बी स्क्वायर और ये माइनस टू बी और प्लस बी का बन गया माइनस बी प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए, यानी कि
बी स्क्वायर और इन दोनों में से आप माइनस लीजिए कॉमन बी माइनस वन ओवर बी स्क्वायर माइनस ए। और ध्यान से अगर देखें तो ये b माइनस वन की वैल्यू a थी हमारे पास, तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस बी ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए यानी कि 1। सो पहले वाला नंबर तो हमारे पास इंटीजर बन ही गया। अब दूसरे वाले नंबर की बात करते हैं कि अगर दूसरे वाले नंबर में हम a की वैल्यू b माइनस वन पुट करते हैं तो क्या होने वाला है। ये नंबर हमारे पास है बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी। यहां पर आप a की वैल्यू पुट कीजिए b माइनस वन, सो बी स्क्वायर प्लस बी माइनस वन ओवर बी माइनस वन का स्क्वायर माइनस बी। इसे थोड़ा सा हल करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी माइनस वन और नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस थ्री बी प्लस वन। यहां पर ऊपर थोड़ा सा ठीक करके लिखिए इसे बी स्क्वायर माइनस थ्री बी प्लस वन प्लस फोर बी माइनस टू ओवर बी स्क्वायर माइनस थ्री बी प्लस वन। और एक बार फिर से अलग अलग कीजिए, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वन और दूसरी बार में आ जाएगा फोर बी माइनस टू ओवर बी स्क्वायर माइनस थ्री बी प्लस वन। एक बार फिर ये इंटीजर है और इसे भी इंटीजर होना पड़ेगा क्योंकि इस नंबर को हम इंटीजर चाहते हैं। और जब आप यहां पर बी की वैल्यू पुट करके देखेंगे तो अगर आपका बी सात से बड़ा है, सात या सात से बड़ा है, तो आपका जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर फ्रैक्शन बन जाएगा। सो बी की वैल्यू इसका मतलब कि सात से जो बड़ी है वो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब बी के लिए हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज रह गई वो है वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। इनमें से भी अगर आप बी की वैल्यू वन पुट करेंगे यहां पर तो वन माइनस वन ए जीरो हो जाएगा। तो हमारी बेसिक कंडीशन के ए और बी जो पॉजिटिव नंबर है वो गलत हो जाएगी। सो ए बी की वैल्यू वन भी नहीं हो सकती। अगर आप बी की वैल्यू चार पांच या छह पुट करेंगे तो ये नंबर जो है इंटीजर नहीं बनेगा, फ्रैक्शन बन जाएगा। न्यूमरेटर जरूर डेनोमिनेटर से बड़ा होगा लेकिन फ्रैक्शन रहेगा। तो दो ही वैल्यू आएंगी आपके पास टू और थ्री, लेकिन ये वैल्यूज बी की हैं। तो ए क्या होगा, जब बी की वैल्यू होगी टू तो यहां पर कीजिए पुट टू माइनस वन ए की वैल्यू हो जाएगी वन, और जब बी करेंगे आप थ्री तो थ्री माइनस वन ए हो जाएगा आपके पास टू। सो आपके पास दो सॉल्यूशंस और आ गए, ए की वैल्यू वन बी की वैल्यू टू, वन टू, और एक आपके पास आ गया ए की वैल्यू टू बी की वैल्यू थ्री टू थ्री। लेकिन जब मैंने शुरू में बात की थी तो मैंने कहा था कि एक और भी केस है ए इज इक्वल टू बी प्लस वन, और इन दोनों में सिर्फ ए और बी का रोल आपस में इंटरचेंज हो रहा है। तो जो इसके आपके पास सॉल्यूशन आए हैं दो, ये दो सॉल्यूशन, इनमें आप ए और बी का रोल बदल दीजिए तो आपके पास दो सॉल्यूशंस और आ जाएंगे। तो यहां पर वन टू था, रोल बदल कर आ जाएगा टू वन, यहां पर टू थ्री था, रोल बदल कर आ जाएगा थ्री टू। तो आपके पास ये छह पेयर्स आ गए ए और बी के, इनमें से आप कोई भी पेयर ए और बी का ले लीजिए तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए और बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। तो ये हल था उस सवाल का जो कमेंट बॉक्स में पूछा गया था। एक बार फिर मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से कमेंट बॉक्स में या मैसेंजर में कहीं पर भी उसे सवाल इसी तरह पूछते रहेंगे। मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि हर एक सवाल को मैं हल कर सकूंगा, लेकिन जिन सवालों को भी हल कर सकूंगा उन्हें वीडियो के माध्यम से इस YouTube के इस चैनल पर आपसे शेयर जरूर करूंगा। अगर आप में से कोई मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू सवाल पूछना चाहता है तो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9041404543। तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझसे सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अगर सवाल हल हो गया तो उसका जो हल है, उसका जो सोल्यूशन है, उसे वीडियो बनाकर इस YouTube के चैनल के माध्यम से आपसे शेयर जरूर किया जाएगा, क्योंकि आप इस चैनल को लगातार शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपका अग्रिम रूप से एडवांस में ही धन्यवाद करना अपना फर्ज समझता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।